यशोमति मैया के नंदलाला। इससे बातें कर रहा था तू कान्हा? कौन थी वो? हमें तो लगता है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। क्या हो गया यशोदा? मैं सच्ची कह रही हूँ जी, कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। अभी यहाँ पानी का लोटा रखा था, अचानक से लुप्त होगा। पर मिठाइयाँ भी तो रखी थी। ठीक, किसी ने कछु ना लिया है, पर मैं कह रही हूं कछु तो गड़बड़ है यहाँ। यशोदा, अधिक चिंता दुख का कारण होती है। जितना सोचोगी उतनी ही घबराहट बढ़ेगी। सही सोच रही हूं मैं, आपको तो विश्वास ही ना है मुझ पर। पर मैंने मैंने वन में किसी को देखा था, हाँ ना थी। मैं कह दे रही हूं जी, मैं अपने लल्ला को वन के निकट भी ना भटकने दूंगी। कान्हा ने अच्छा नहीं किया ना, सबके सामने झूठा ठहरा दिया मुझे। बलराम, छोटी छोटी बातें हृदय से नहीं लगाते पुत्र। छोटा भाई है वो तुम्हारा, है ना? आप कुछ भी कहिए माँ, पर अब मैं कान्हा की किसी भी बात के जाल में नहीं फंसूंगा। उसकी कोई भूल नहीं छुपाऊंगा, उसके हर कार्य पे दृष्टि रखूंगा मैं, और छोटी माँ को सारी सूचना भी दूंगा। लो कर लो बात, अब मैया को संभालूंगा, यादव को। मैं खोलता हूँ मैया। नारायण नारायण बड़ी माँ। नारायण नारायण, आओ। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या होगा बलराम? इसका अर्थ है कि दाऊ कल की बात अब तक नहीं भूले। इससे पहले कि ये मेरा वन जाना और भी कठिन बना दे, इन्हें रोकना होगा। छोटी माँ, मैं ये कह रहा था कि दाऊ आपके लिए आसन। छोटी माँ, कल ना लो दाऊ जल। क्या कर रहा है कान्हा? अपनी दाऊ की सेवा। यशोदा, दोनों भाइयों में थोड़ी अनबन हुई है, अब इसे सुलझाना तो इन दोनों को ही पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो जी। छोटी माँ, ताऊ ये मिठाई खा के देखो, आपके लिए बचा के रखी थी मैंने। चाटुकारी तो नहीं चलेगी कान्हा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ दाऊ, ये तो मेरे दाऊ के लिए प्रेम और सम्मान है। बड़ा प्रेम और सम्मान उमड़ रहा है आज। कल का था ये
जब सबके सामने मुझे झूठा बना दिया था। आप सब ये आवाज सुन रहे हैं, ये घुंघरू की आवाज गैयाओं को संभालने, उन्हें पंक्ति में रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये लाठी आपको पैदल चलने में सहायता करेगी। और यदि कोई वन्य पशु गैयाओं के निकट आ जाएगा तो ये नुकीला भाग आप देख रहे हैं, ये उन्हें दूर भगाने में आपकी सहायता करेगा। आप सब लोग तैयार हैं? हाँ नंदराज, हम सब तैयार हैं। शुभकामनाएं। भोला बंसी। कितने दुख की बात है ना भैया कि गौचारण के लिए केवल इतने से ही नौजवान तैयार हुए। जो व्यापार करके तनिक धनवान हो गए हैं ना, उनके बालक समझते हैं कि गौचारण उनके लिए सही काम ना है, उनके लिए बड़ा ही तुच्छ कार्य है। ये तो बहुत अच्छी है छोटे बाबा, मैं इसके साथ खेल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। देखिए मैं भी गोपालक बन गया। नाना दाऊ, गोपालक तो मुझे बनवा है। पापा मुझे भी ऐसा डंडा दो ना। लल्ला, ऐसी छड़ी तो समाप्त हो गई, जब नई बनकर आएगी ना तब दूंगा तुझे, तब तक तू अपने दाऊ के साथ खेल, ठीक है? चले भैया। दाऊ, ये गोपालकों का डंडा, तनिक मुझे भी तो दिखाओ एक बार। करके देखू कि मैं गोपालक बन सकता हूँ कि ना। तुम गोपालक बनोगे? तुम्हें तो वन जाने की भी आज्ञा नहीं है। पर आप हो ना मेरे साथ, आप मैया को बनाने में और वन जाने की आज्ञा दिलाने में मेरी सहायता करोगे, करोगे ना दाऊ? मैं और तुम्हारी सहायता कभी नहीं। अभी तक क्रोधित हो? अच्छा ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, अब तो मान जाओ। छोटे भाई के नाते ना सही, तो मित्र के नाते क्षमा कर दो। जिसने मुझे झूठा सिद्ध किया है वो ना तो मेरा मित्र है ना छोटा भाई। वैसे ये तो सत्य कहा, हमारा संबंध एक सखार भाई से ही बढ़कर है। लगता है आपके स्मरण कराने का समय आ गया है दाऊ। दाऊ आपको मुझे ये डंडा नहीं देना तो मत ही दो, पर एक बार इसे हनुमान जी की तरह पकड़ के तो देखो, एक बार कंधे पे रखो तो सही दाऊ, और फिर अपना एक पाँव नीचे फिर दूसरा पाँव ऊपर रखो, बिल्कुल हनुमान जी की तरह बलवान दिखोगे आप। ऐसे रे दाऊ, हनुमान जी का एक पाँव आगे होता है ऐसे ना दाऊ, थोड़ा और सा। अब हाथ तक करके क्यों पकड़ूं है? ये आपकी गदा है दाऊ, डंडा थोड़ी ना है। आप तो ऐसे पकड़े हो कोई लेकर भाग जाएगो। अब ये हुई ना बात,
बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हो। काना, वो मेरा है। मुझे दो। आपका है तो वापस लेकर दिखाओ। सीधा छोटी माँ के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। बड़े समय से इन दोनों का स्वरना सुनाई दिया है ना जिंजी? लगता है अनबन सुलझी नहीं है। कहीं मुंह फुला के तो नहीं बैठे दोनों एक दूसरे से? मैं देखकर आती हूँ। यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहे। अभी कुछ ही समय पहले तो खेल रहे थे। बलराम हनुमान जी की मुद्रा बना के खड़ा था। कहाँ गए दोनों? सीधे सीधे डंडा मुझे दे दो काना। छोटे बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। तुम्हें मना कहाँ कर रहा हूँ दाऊ? निकट आओ तो ले लो अपना डंडा। रुक जाओ काना। क्या हुआ दाऊ? तुम मुझे इतना भगत क्यों रहे हो? अवश्य तुमने कोई ना कोई योजना बनाई है, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। क्या हुआ दाऊ, थक गए क्या? इतना प्रयास करना है कर लो काना, पर अब मैं यहाँ से एक पग भी आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें डंडा देना है तो दो या फिर रख लो। क्या ये भी ना जानना चाह रहे कि मैं कल किससे बात कर रहा था? कान्हा, बलराम, कहाँ हैं जे दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? भाभी, उन दोनों को तो भाग के वन की ओर जाते देखा तो मैंने। वन की ओर? तो तूने रोका क्यों ना? मुझे लगो कि आपसे आज्ञा लेके गए होंगे। दोनों साथ में ही तो थे। छे पालक भी ना। चलो चिची, चलो। मेरे जिज्ञासन का लाभ उठा के मुझे फंसाना चाहते हो काना? पर इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, डंडा भी रख लो। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। जाने से पहले सत्य तो जान लीजिए दाऊ। क्या हुआ, अब तक नहीं पहचाना मुझे? श्री नारायण। अब स्वयं को भी पहचान लो। प्रभु, एक बात का खेद है मुझे। क्या हुआ शेष? आपने अपने अगले अवतार की घोषणा कर दी और मेरे बारे में विचार तक नहीं किया। मैंने आपके राम अवतार में आपका छोटा भाई लक्ष्मण बनकर आजीवन आपकी सेवा की थी, आपकी हर एक बात मानी थी। अब आप अगला अवतार मेरे बिना ले रहे हैं प्रभु। इस बार तुम मेरा साथ किस रूप में देना चाहते हो शेष? यदि संभावना हो तो। पिछली बार मैं आपका छोटा भाई बना था प्रभु। आपके पग चिन्हों पर अपने पग रखता हुआ आपके साथ चला था।
इस बार आपका बड़ा भाई बनकर एक नया अनुभव पाना चाहता हूं प्रभु। तथास्तु। प्रभु मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मेरा अर्थ वो नहीं था प्रभु कि। पर मैं बिना विचार किए कुछ नहीं कहता शेष। लक्ष्मण के रूप में तुमने मेरी बहुत सेवा की थी, महल, राजपथ, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी तुमने छोड़ दिया था ताकि तुम वन वन घूमते हुए मेरा साथ दे पाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर वो श्रद्धा, वो स्नेह तुम्हें लौटा पाऊं, तुम्हारी सेवा कर पाऊं। कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आप बड़े हो दाऊ, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? आपका तो अधिकार है मुझ पे। ऐसा मत कहिए, आप मेरे प्रभु हैं। बलराम, ये क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई को प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मेरे प्रभु है छोटी माँ। अरे फिर से फंस गया मैं। सत्य का, मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं हूँ इनका शेषनाग। अच्छा तो तुम दोनों भगवान जी खेल रहे हो? हाँ। तो इसके लिए वन आने की क्या आवश्यकता थी? मना किया था ना यशोदा ने? बलराम, तू कान्हा के जैसे कब से होगा? ये दोनों एक से ही है यशोदा, बहुत एकता है दोनों में। ना चिच्ची, बलराम निर्दोष है, जो उसका छोटा भाई है ना इसी का दोष है, इसी को बार बार वन आना होता है। पर मैया, ये वन थोड़ी है, वास्तव वन तो आगे है ना। अच्छा तू घर चल, मैं बताती हूँ तुझे वन कहाँ है, उदंड कहीं का। ले बलराम चल। इन्हें ना गौशाला में बांध देना चाहिए जिज्जी, तभी रुकेंगे जे। घर पहुंच के दंड मिलेगा क्या? मिलेगा प्रभु, और इस बार केवल आपको ही नहीं मुझे भी मिलेगा। नटखटपन और उदंडता में बहुत कम अंतर होता है कान्हा, और जब तक तुझे समझ ना जाता, जा जाके उस कोने में खड़ा रहे, यही तेरा दंड है आज। मुस्कुरा क्या रहो है, चुपचाप खड़ा रहे, हाथ भी ना हिलने चाहिए। तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों खड़े हो? तुम भी गए थे ना बिना बताए घर से? जाओ, आज कान्हा के साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। जाओ जाओ, जाके खड़े रहो वहां। जब तक हम दोनों ना कहें यहीं खड़े रहना दोनों, समझ आई? मैया संदेह भी होने वाली है, खेलने भी जानो है। पिछले अवतार में वनवास मिला था प्रभु, इस अवतार में दंड मिला है। आपका भाई बनने के लाभ कम है और हानि अधिक। ये तो तुम्हारी इच्छा थी ना शेष, अब भूल जा कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। भक्त और प्रभु के इस संबंध की स्मृति
अब तुम्हें तभी आएगी जब उसकी आवश्यकता होगी। तब तक आप मेरे बड़ी भाई हो, इसलिए अब दाऊ की तरह व्यवहार करना होगा आपको। तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा, और उसके लिए आपको भी छोटे भाई की तरह व्यवहार करना होगा। अब से मेरी हर बात सुननी होगी आपको। क्या? हमारी बात ऐसे ना सुनेंगे चिची, कोई और उपाय निकालना पड़ेगा इन्हें बन जाने से रुकने का। डांट फटकार से भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा यशोदा। ना, इन्हें जिस बात के लिए मना करो ना चिची, ये वही बात सबसे अधिक करते हैं। इतना भी नहीं समझते कि हमें कितनी चिंता होती है, और ये दोनों है कि इन्हें कोई भय ही नहीं लगता। भय?